यो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है वापस से एक ऑसम दिन में। तो आज के दिन हम लोग फाइनली एनिमेशन देखेंगे, और हाँ, वो भी रोने वाला। आज के दिन हम लोग इसी बात पे कुछ बहुत मस्त सैड एनिमेशन को देखने वाले हैं, जिसे देख के हम लोग रोएंगे बेसिकली। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। ऑल राइट दोस्तों, क्या बात है, ये देखो हमारा शानदार सा सैड एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है। वाव, काफी शानदार सी शुरुआत है। ओ माई गॉड, ये सब कितने क्यूट हैं, और ये वाला कुछ ज्यादा ही क्यूट है, क्योंकि दोस्तों ये गोरा है इस वजह से। तो दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। हाँ, तो दोस्तों चलो हम लोग फटाफट से आगे इस सैड एनिमेशन को कंटिन्यू करते हैं। ये मेरे ख्याल से कि यूनिवर्सिटी है, तुमने इसका नाम देखा? K9 यूनिवर्सिटी, इसका मतलब क्या होता है? वो बात ऐसी है, मैं कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, तो मेरे को कुछ नहीं पता है दोस्तों। नाइस, तो मेरे ख्याल से ये कुत्तों का कोई यूनिवर्सिटी है। अबे कितना आलीशान यूनिवर्सिटी है, कुत्तों का कब से इतना मस्त होने लगा? ओके, यहाँ पे काफी सारे पोस्टर हैं। मेरे ख्याल से ये कुत्तों का अवार्ड सेक्शन है। ये कौन है? सो ब्यूटीफुल, व्हाट ए बॉडी। एक सेकेंड, जोक है, जोक। वैसे लड़की ब्यूटीफुल तो है। अबे बहन, कोई नहीं, हम लोग वीडियो पे फोकस करते हैं। तो कुत्ते की जो है हाइट को नापा जा रहा है। वो सीट, कुत्ता तो छोटा हो रहा है। अबे कुत्ते, लंबा हो जा। क्या बात है, हुर्रे, कुत्ते की हाइट टच हो चुकी है और कुत्ता इस यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुका है। आए, इसका नाम कितना अजीब है, इस नल्ले का नाम है, तुमने देखा, इसका नाम पिप है, पिप। इतना वाहियात नाम मैंने कभी नहीं देखा था। पर आपको अभी तक ये एनिमेशन कैसा लगा, नीचे कमेंट करके बताओ। ओके, मैं अब धीरे धीरे इस एनिमेशन को समझ रहा हूँ। बेसिकली ये जो है कुत्तों को ट्रेन करने वाली यूनिवर्सिटी है, ताकि कुत्ते अंधे लोगों की मदद कर सके, उन्हें चलने में। मैं बहुत गंदा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिकली कुत्ता जो है अंधे लोगों की मदद कर सके चलने में। ओके ओके, तो कुत्ता भी जो है खाना ले रहा है, क्या बात है, अबे बर्बाद मत कर। ओके, तुम लोग देख सकते हो कुत्ते को ट्रेन किया जा रहा है, ताकि वो अंधे लोगों को सही से चला सके, पर ये कुत्ता तो खुद ही सही से नहीं चल पा रहा है। So beautiful. तो पहली बार तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं। कुत्ता दोस्तों बहुत ज्यादा गंदा हरकत कर रहा है, वो कुछ भी कर नहीं पा रहा, पर कुत्ते को शायद से हीरो बनना है। वो चाहता है कि वो जो है इस यूनिवर्सिटी का टॉपर बनेगा। वाओ वाओ, ये तो अब सुधर रहा है, तुम लोग देख सकते हो ये कितना मस्त ट्रेनिंग कर रहा है। वाओ, काश मैं भी दोस्तों कुत्ता होता। ओके, तो मेरे ख्याल से अब इस कुत्तों का फाइनली एग्जाम है, और वो शायद से प्रोफेसर या टीचर होगा। ओके, ये मेरे ख्याल से फाइनल एग्जाम है, जो भी इस एग्जाम को पास कर लेगा मेरे ख्याल से वो जो है सबका हीरो बन जाएगा, या फिर बॉस बन जाएगा शायद से, मेरे को जहां तक अंदाजा है। वाह वाह नल्ले, वाह, तूने सब गोबर कर दिया, क्या बात है। इसने दोस्तों फाइनल एग्जाम के दिन सब कुछ गोबर कर दिया, और इसे वहां से निकाल दिया गया है। ओ, तो अब ये देख रहा है कि ये अब कभी भी हीरो नहीं बन सकता है। आए, वो लड़की तो अंधी है दोस्तों, उसका तो मोए 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 हो गया। ऑल राइट, कुत्ता काफी सैड है, क्या बात है, वो अंदर देख रहा है। आए, बारिश कैसा हो रहा है, बारिश क्यों हो रहा है दोस्तों? अब वो रो रहा है। ओवर एक्टिंग है, ओवर एक्टिंग, आप लोग 50 रुपए मत काटना। ओ माई गॉड,
वो अंधी लड़की गिरने वाली है, शायद से वो मर जाएगी, जल्दी जल्दी भाग। यो ये तो सबका हीरो बन गया यार, मेरा वो ख्वाब ख्वाबी रह गया जिस दिन मैं अपनी बंदी को बचाता, वो ख्वाब ख्वाबी रह गया। पर कोई नहीं दोस्तों, कुत्ते ने एक शानदार सा काम किया है, इसने लड़की को बचा लिया, वाओ क्या बात है। पर दोस्तों अभी तक मैं रोया नहीं हूं ये सैड एनिमेशन देख के, सब लोग उसे देख के ताली बजा रहे हैं। हाँ बेसिकली ये नहीं देख सकती, और सभी लोग देख के ताली बजा रहे। ओ ये भी बॉस बन चुका है, ये सबका हीरो है शायद से। ओ वाओ, हे गर्ल कम हियर, क्या बात है दोस्तों, ये सैड एनिमेशन तो काफी ज्यादा क्यूट और फनी था। ओके दोस्तों क्या बात है, तो इसी के साथ हमारा सेकेंड सैड एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है। अबे क्या गंदा सा इंट्रो आ रहा है, इंट्रो हटा जल्दी, मेरे को टाइम बर्बाद नहीं करना है। ये क्या है, इसके अंदर इंग्लिश क्यों है दोस्तों, मेरे को इंग्लिश पढ़ लेनी पड़ती है। पर कोई नहीं, हम लोग इंग्लिश को साइड में हटा देंगे, हम लोग सिर्फ एनिमेशन पे फोकस करेंगे। अबे ये नल्ला क्या कह रहा है, पर दोस्तों ये काफी ज्यादा क्यूट है, ये एक पोलर बियर है शायद से। वाओ बेसिकली एक दोस्तों मोटा गंदा सा भालू। ओके तो ये जो है मस्त खेल कूद कर रहा है, वाओ ये किसे खोज रहा है, ये शायद से अपनी मम्मी बियर को खोज रहा है मेरा जहां तक दोस्तों ये बिग ब्रेन कहता है। ओके तो ये मस्त टहल रहा है, वाओ यार कितना मस्त जगह है, पर मेरी तो दोस्तों औकात नहीं यहाँ जाने की। क्या मतलब मैं गरीब हूं, ये कौन है, ये हंटर है क्या? ओ सिट ये शिकार करने निकल चुका है। वाओ पोलर बियर का जो है, पोलर बियर, मैं क्या एक्सप्लेन करूं, पोलर बियर के मम्मी के पैर का निशान मिल चुका है, तो चलो अब हम लोग फाइनली इसकी मम्मी को खोज सकते हैं। वाओ दोस्तों ये काफी ज्यादा क्यूट और गुल्लू गुल्लू वाला एडोरेबल है। ठीक है समरिया, ऑल राइट क्या बात है, ये मस्त सैर कर रहा है, ये काफी खुश है, मेरे को उसकी खुशी देख के काफी ज्यादा दोस्तों जलन हो रही है, क्योंकि मैं ज्यादा खुश नहीं रहता हूँ। ओ नहीं ऐसा तो नहीं, ये हंटर उसे मारने वाला है। अरे यार ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये पोलर बियर मर नहीं सकता। अरे यार वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ओ नहीं क्या हुआ, ये कर्मा फाइनली हिट दोस्तों, क्या बात है फाइनली वो हंटर मर चुका है, और ये पोलर बियर शायद से फिर अपनी मम्मी की तलाश में लग चुका है। ओ सामने घर है, मेरे ख्याल से पोलर बियर की मम्मी इसी के अंदर मस्त आराम कर रही है। वैसे दोस्तों ये हंटर का घर लग रहा है मेरे ख्याल से, ऐसा तो नहीं वो मर चुकी है। ओके वो ठीक है क्या। अरे यार, अबे यार इस एनिमेशन ने मेरे को इतना ज्यादा दुख दे दिया, अब मैं रिकवर कैसे करूंगा, इस पोलर बियर की मम्मी मर चुकी है, ये क्या है यार, ये काफी सैड था, और उस पोलर बियर के बच्चे को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उसकी मम्मी लिटरली मर चुकी है। ऑल राइट दोस्तों क्या बात है, इसी के साथ थर्ड और हमारा लास्ट सैड एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है। वाओ वांसी वाओ, वैसे दोस्तों मैं तो दिन भर ऐसे ही आलस में एकदम परेशान रहता हूँ, हाँ क्योंकि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं रहता है। ओके मेरे ख्याल से ये जो है एक डॉग का शेल्टर है, यहाँ पे हम लोग डॉग को अडॉप्ट कर सकते हैं,
तो मतलब मैं अपने दोस्त को यहाँ पे भेज सकता हूँ? ओके तो ये कितनी ब्यूटीफुल है, वाओ क्या बात है, मैं तो पागल हो गया। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं हम लोग फोकस करते हैं दोस्तों, ये तो सिर्फ एक एनिमेटेड कार्टून है। वाओ कुत्ते का भी जीभ बाहर निकल चुका है दोस्तों, ये तो नॉटी नॉटी बातें हो रही है। नॉटी हो रहा? ओके तो ये लड़की शायद इसे अडॉप्ट करेगी, और उसके बगल में एक और कुत्ता है, पर दोस्तों ये तो ज्यादा क्यूट है, लड़की किसे अडॉप्ट करेगी? लड़की किसे अडॉप्ट करने वाली है? लड़की तो दोस्तों गद्दार निकली, वो जो है उस कुत्ते को छोड़ के इसके पास आ चुकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कुत्ता वाइट है इस वजह से, और वो कुत्ता ब्राउन है इस वजह से वो बेकार है। ये तो दोस्तों रेसिज में। ऑल राइट तो हम लोग लास्ट तक देखते हैं कि आखिर ये लड़की किसे अडॉप्ट करती है। वाओ ये ब्राउन वाला कुत्ता सैड हो चुका है, क्योंकि ये चाहता है कि लड़की इसे अडॉप्ट करे। ये क्या कर रहा था, वो तकिए से क्यों खेल रहा था? आए? ये बावला हो चुका है क्या दोस्तों, इसने तकिया पूरा फाड़ के ये क्या बना लिया है, ये अपने को सोच रहा है ये कूल दिख रहा है। अब मालिक इसे डंडा डंडा मारेगा क्योंकि इसने तकिया खराब कर दिया। मैं भी इसे मारता दोस्तों, पर डंडा से नहीं बेल्ट से। छींकने के वजह से वो जो चीजें हैं वो बाहर गिर गईं। लड़की तो हंस रही है दोस्तों, मैं उसके प्यार में गिर जाऊंगा। ऑल राइट लड़की किसे अडॉप्ट करेगी? लड़की तेरी हरकत सी नहीं लग रही है, तू बार बार व्हाइट वाले कुत्ते के पास क्यों जा रही है? ये कौन सी बात हुई, व्हाइट कुत्ता मतलब सुंदर और क्यूट, ब्राउन कुत्ता मतलब गंदा और बेकार, ये कैसा चीज है दोस्तों? लड़की तो सही में व्हाइट वाले को अडॉप्ट कर रही है, ये क्या हो रहा है? ओके ओ लड़की जब व्हाइट वाले को अडॉप्ट कर रही थी तो वो भोंक दिया, वो शायद उसे काटना चाहता था, जबकि ब्राउन वाला एकदम पागल है कुत्तों की तरह। कुत्तों की तरह नहीं, वो लिटरली कुत्ता ही है। ओके ब्राउन वाला एकदम दोस्तों पागल है, वो चाहता है कि लड़की इसे अडॉप्ट करे। ओके ये रहा पट्टा, चल 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 जल्दी से ब्राउन वाले को पहना दे, ताकि एक अच्छी खासी एंडिंग हो जाएगी वीडियो की। यो ये काफी क्यूट है, ये नहीं काट रहा है लड़की को, पर उसका शायद मुंडी फंस गया है। देख रहे हो दोस्तों कुत्ता भी प्यार में पागल हो चुका है, वैसे मैं भी उसके प्यार में ऐसे ही पागल हूँ। अरे शर्म करो। ऑल राइट आए हम लोग डायरेक्ट उसे खोल सकते हैं ऐसे? अबे नल्ली लड़की कम से कम मालिक से तो पूछ ले, हमने डायरेक्ट उसे अडॉप्ट कर लिया, कुत्ता पूछ हिला रहा है। कुत्ते का दोस्तों लक्षण मेरे को सही नहीं लग रहा, उसका जीभ देखो बाहर निकला हुआ है। ऑल राइट तो एक हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, और कुत्ता और बेटी मेरा मतलब लड़की हमेशा साथ साथ ऐसे ही रहते गए। चलो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये सारे के सारे सैड एनिमेशन बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। वैसे तो मैं दोस्तों बिल्कुल नहीं रोया क्योंकि मैं सिग्मा हूँ, वैसे आप लोग रोए या फिर नहीं नीचे कमेंट करके बताना। मेरे ख्याल से आप लोग जरूर रोए होंगे क्योंकि आप लोग सिग्मा नहीं हो। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। चलो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पीस।